गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स लुक एट दिस. कक्षा चार विषय नैतिक शिक्षा पाठ आठ का भाग एक आज हम पढ़ेंगे और पृष्ठ खोलेंगे 27. बच्चों ये देखिए 27 नंबर पृष्ठ और पाठ आठ और पाठ का क्या नाम है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं. शिव कौन है, मृत्यु क्या है, ये पढ़ते हैं हम. पंक्तियां जो लेखक ने लिखी हैं, जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने पर. अमल से जिंदगी बनती तो हम सब ही बना लेते, नवाजिश जब तलक उसकी ना हो कुछ हो नहीं सकता. यानी इसमें कवि हमें समझा रहा है कि हम सब अमल तो कर सकते हैं, यानी मेहनत कर सकते हैं कुछ पाने की, पर उस परमात्मा की दया से ही सबके काम बनते हैं. यह कहानी स्वामी दयानंद के बचपन की है. उनके हृदय में लिखी दो जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी. इन जिज्ञासाओं का समाधान खोजकर उन्होंने जमाने पर अपना रंग चढ़ाई दिया. गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है. यहाँ आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व, बच्चों शताब्दी कहते हैं 100 ईयर्स को, यानी 100 साल पहले एक ब्राह्मण परिवार रहता था. इस परिवार के मुख्य कर्शन जी थे. यह परिवार धन धान्य से संपन्न था. कर्शन जी शिव भक्त थे. इनके घर फागुन कृष्णा दशमी सम्मत 1881 यानी 1824 जो सन अब आज का हमारा जिसको हम काउंट करते हैं वो ये है, में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम मूल शंकर रखा गया था. यानी करीब आज से 100 साल पहले किसी को क्या पता था कि यह बालक संसार को जीवन ज्योति प्रदान करेगा, पाखंडों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाएगा. सन्मार्ग होता है अच्छे रास्ते पर. पाखंड होते हैं कि कई बातें हम लोग उनकी सच्चाई ना जानते हुए ऐसे ही फॉलो करते हैं. पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे. पौराणिक का मतलब ये होता है कि जो पहले से हमारे घरों में रीति रिवाज चले आ रहे होते हैं उस तरीके से उनको मानना. अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे. वे उसे बचपन से ही शिव पुराण की कथाएं सुनाया करते थे, यानी जो शिवजी भगवान की पहले से जो कथाएं हैं वो सुनाते थे. बालक मूल शंकर की बुद्धि तीव्र थी, यानी तीव्र मीन्स तेज. अतः उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली थी. साथ ही 10 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया. घर के वातावरण ने उन्हें पूरी तरह से शिव पर श्रद्धा रखने वाला भक्त बना दिया. वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव की अर्चना करते और ओम नमो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे. एक साधारण सी घटना के कारण मूल शंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया. शिवरात्रि का अवसर था. परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से शिव का व्रत रखा. पिता ने इन्हें भी कहा, बेटा मूल तुम भी शिवरात्रि का व्रत रखो. व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे. वे सारे संसार के स्वामी हैं. तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, शिवजी के दर्शन होंगे. इस उपदेश को सुनकर मूल शंकर ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा. सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं. सायंकाल होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए वह मंदिर पहुंच गया. उसने सारी रात जाग कर शिव की पूजा करने का निश्चय किया, यानी कि इरादा किया. उस समय मूल शंकर की आयु 11 वर्ष की थी.